आप जैसे कि बल्ब का क्लियरेंस, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि बल्ब का क्लियरेंस, बल्ब का क्लियरेंस में देखिए इस टाइप का फिलर गेज होता है, इस टाइप का हम जो भी मैकेनिक है एक फिलर गेज का ये सिस्टम आता है, मार्केट में मिलता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.20 mm और यहाँ पर 0.18 यानी कि 15 mm यहाँ पर है और यहाँ पर 50 mm कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनलेट जैसे कि है, तो हमारा जैसे कि यहाँ पर है, जैसे अगर एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट में 20 mm का हमको लगता है और इसमें जो है इनलेट में जो है 0.15 और 0.20 इसमें जो है आपको फिलर गेज के अंदर इसमें डाल करके और इस चेक नट को ढीला करके इसको थोड़ा टाइट कर, इसको अपने स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट करिए। जैसे इस ढंग से आप स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं, इसको इस नट को पहले खोल करके, इसको आप खोल करके आप इस फिलर गेज को अंदर जितना एमएम क्लियरेंस कहा जाता है टेपिड का यहाँ पर डाल करके और इसको अंतिम में खींच लिया जाता है। खींचने के बाद अपने आप जो है इसका क्लियरेंस सेट हो जाता है। अगर आप फिलर गेज से क्लियरेंस इसमें सेट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जैसे प्रेशर पाइप है, प्रेशर पाइप में कहीं छेद नहीं होना चाहिए, कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर एक बूंद भी अगर डीजल आपको पर अगर एक मिनट के अंदर या एक मिनट के अंदर दो तीन बूंद भी अगर चूता है तो हमको यानी कि एक सीजन में बहुत सारा मोबिल ड्रेन हो जाएगा, ये डीजल जो है ड्रेन हो जाएगा। इसको रोकना है यानी कि कहीं से हमको लीकेज नहीं रखना है। जैसे यहाँ पर भी हम जो फिल्टर के बाद जो पाइप है यहाँ पर, यहाँ से भी हमको कहीं पर लीकेज नहीं रखना है और यहाँ टंकी से जो आ रहा है लीकेज नहीं रखना है। और ये नोजल का जो है आउट यानी कि ओवरफ्लो कहा जाता है, क्योंकि पंप से जो आता है वो तो प्रेशर पाइप होता है और ये ओवरफ्लो जब प्रेशर से नोजल पर डायरेक्ट इंजेक्शन करता है तो यहाँ से हमको जो एक्स्ट्रा वायल तेल होता है वो हमारा टंकी में वापस चला जाता है।